देखिए ये फीमेल है, वाह इसका मेल नहीं है भैया आपके पास? अच्छा उधर मेल है, फिर भी ये सेल कर देंगे, ये सेल कर देंगे। और इसका अंडा बच्चा 100% गारंटी है? वाह ये अंडा बच्चा किया है अभी भी? वाह देखिए ये फीमेल है, ये सेल के लिए है। तो इसका प्राइस क्या रखे बच्चे? अगर किसी को इसका बच्चा चाहिए तो बाद में मिल जाएगा। उधर भी और इसका बच्चा है। अच्छा बच्चा भी है इसके। अच्छा चलिए इसका क्या प्राइस चल रहा है? देखिए क्वालिटी देखिए, ब्लैक पेंटल का, इसके पीछे का फेदर है 36। और देखिए जाम्बो क्वालिटी का है, बिग साइज का है। और वो देखिए इंडियन सॉरी इंग्लिश टेलमार्क है, फीमेल है और मेल है। देखिए मेल का क्वालिटी, तो चलिए दोस्तों आज आप लोगों को ले चलते हैं नदिया का शिमुराई में। और यहाँ का सौरावदा का एक बहुत अच्छा सा सेटअप है कबूतर का, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। और ये जो घर में भैया रहते हैं ये हमको तो पहले लगा कि राजमहल टाइप का कुछ है, तो फिर पता चला भैया को जो परदादा था वो यहाँ का ज़मींदार था, तो ये बहुत बड़ा घर बनाया गया। और यहाँ का ज़्यादातर रूम तो अभी बड़ा ही रहता है, इसमें ही भैया ने बहुत अच्छे से कबूतर पाल रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं और एक एक करके क्या क्या कबूतर रखे हैं और कितना प्राइस में सेल करता है और अभी क्या सेल के अंदर है और क्या क्या ट्रीटमेंट करता है और क्या खाना प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारा जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशान और आप लोग देख रहे हैं पेट लवर ईशान। तो आज मैं आया हूँ नदिया ज़िला का शिमुराई एरिया में और ये भैया का फार्म देखने में आए हैं। तो भैया ने बहुत दिनों से फैंसी कबूतर का शौक रखते हैं, तो भैया ने बचपन से कबूतर पाल रहे हैं। तो बहुत सारा मतलब फैंसी कबूतर अभी अवेलेबल है सेल के लिए और भी बहुत वैरायटी का फैंसी कबूतर भैया ने ले आएगा। तो चलिए देखते हैं एक करके क्या क्या सेल के लिए है। तो भैया आप कितने दिनों से मतलब कबूतर पाल रहे हैं? हमें पायरा पूछे प्राय 12 बच्चों रह गए। अच्छा 12 साल अगर मैं पूरा पायरा पूछता हूँ। अच्छा एन सेकंड आस्ते आस्ते फैंसी कबूतर चले। अच्छा भैया ने 12 साल कबूतर पाल रहे हैं, पहले तो कबूतर रखते थे, अभी फैंसी कबूतर पालता है। तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं भैया? बस प्रोफेशनली एक कंपनी काज करी, एगुलो शौक, एगुलो शौके आमि पोषि। तो इसमें से कितना अर्निंग हो जाता है आपको? अर्निंग का मतलब कितना इनकम हो जाता है आपको? इनकम बोलते সেই রকম কিছু না, আমার ডিম বাচ্চা হয়, বাচ্চা বিক্রি করি, সেল করি। এই প্রফেশনাল যে আমাকে এখান থেকে যে ফির ভি এক পার্ট টাইম मतलब ইনকাম তো হতেই হয় ইসমে। এখানে মাসে মোটামুটি 7-8000 টাকা তো হয়। আচ্ছা পার মান্থ 7-8000 হয়ে যাতা হুম। আর কি मतलब প্রবলেম কি হতে হয় अगर कोई स्टार्ट करने जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत आ सकता है? যারা স্টার্ট করতে চায় আমি তাদের বলবো, যারা নতুন একদম পায়রা জগতে তাদেরকে বলবো আগে কিছু ওড়া পায়রা থেকে স্টার্ট করাটা বেশি বেটার, কারণ পাখি তো হট করে ওড়া থেকে যদি এখন ফেন্সিতে হঠাৎ করে নতুন কেউ এসে যদি বলে আমি ফেন্সি পুষবো তো সেখানকার ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা বুঝবে না, তাদের রোগ ব্যাধি তাদের দেখভাল করা ওগুলো বুঝবে না। তাই যারা নতুন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা যেন নতুন পোষার আগে ওড়া পায়রা দিয়ে শুরু করলে বেটার মনে হয়, এটা আমি করে এসেছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে চলিয়ে একটু দেখতে আপনার পাশ কি এখান তো ফার্স্ট এ দেখতে হ্যাঁ, এ হ্যাঁ ইংলিশ টেল মার্ক, এটা হচ্ছে হ্যাঁ ইংলিশ টেল মার্ক। আচ্ছা এটা দু রকম কালার আছে, এইটা একটা লাল লালের সাথে আমি কালো দিয়েছি, ওটা মেল আছে, তো এই কালোটা মেল আছে আর এটা হ্যাঁ ফিমেল হ্যাঁ, লেকিন ও যে মেল হ্যাঁ উসকা থোড়া মিস মার্কিং হ্যাঁ, একটু মিস মার্কিং রয়েছে এটা। হ্যাঁ এই থোড়া ব্ল্যাক ব্ল্যাক মতলব ফেদার হ্যাঁ, এটা একটু ফেদার বেরিয়ে গেছে। তো এসে কিউ হতা হ্যায় या ऐसे नेचुरली हो जाता है? नेचुरली हो जाता है, तेल मार के चला जाए। तो इसका जब बच्चा होगा वो मतलब फ्रेश होगा या ऐसे ही मिस मार्किंग हो जाएगा? मिस मार्किंग वो आते वाला है, फ्रेश हो आते वाला है, उसका बोला जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये अभी सेल के लिए अवेलेबल है? हाँ। इसका क्या प्राइस रखे हैं? इसका दाम पड़े 5,500 टका। 5,500? अच्छा 5,500 इसका दाम है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कबूतर है। ये क्या है भैया? इंडियन लॉक का। अच्छा अच्छा ये ब्लैक इंडियन लॉक का इंडियन फैंटल है। तो इसका पीछे का कितना फेदर है?
ফেদার 36-37টা মতন হবে। আচ্ছা 36 এবং কি এই বহুত বড়িয়া কোয়ালিটি মেল মেলটার টেল আমেরিকান ফ্যান্টলের মতন। হ্যাঁ পেছনের ফেদার পালকগুলো বেশ বড় বড়। দেখি बहुत ये बच्चा है तो ये भी सेल के लिए है क्या? हाँ ये भी सेल के लिए है। तो इसका क्या प्राइस? अच्छा कितना प्राइस में हो गया? इसका बुकिंग है 3,000। अच्छा बच्चा फिर भी 3,000। अच्छा ठीक है क्वालिटी के ऊपर। हाँ क्वालिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट ये है शटल फील बैग। मेल है? अच्छा ये मेल है। ये फीमेल है? ये फीमेल है। अभी इसका क्या मार्केट प्राइस चल रहा है? इसका मार्केट प्राइस चल रहा है एडल्ट पीआर का 15,000-16,000 पड़ जाएगा और बेबी पीआर का पड़ेगा 7,000-8,000 का पड़ेगा। 7,000-8,000। अभी तो बहुत रेयर है, बहुत कम किसी के पास मिलता है। तो कितना दिनों से आपके पास ये फील्ड बैग है? फील्ड बैग काम 2 साल हो गया। 2 साल? अच्छा ये क्या है भैया? ये है किंग ब्लू। ये ब्लू किंग है? ये अभी सेल के लिए है? तो ये मेल है या फीमेल? ये मेल है। अच्छा मेल है। तो इसका क्या प्राइस रखे हैं? इसका प्राइस है 8,500 का पड़ेगा। 8,500। तो देखिए अगर किसी को चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू लाहौरी। अच्छा ब्लू लाहौरी ये भी सेल के लिए है? ये भी सेल के लिए। ये लाहौरी है तो इसका क्या प्राइस रखे? इसका ये दोनों मेल है। दोनों मेल है? हाँ दो भी मेल है। अच्छा इसका इसका दाम है तुम्हारा 16,500 का दाम पड़ेगा। अच्छा लेकिन इसका थोड़ा मिस मार्किंग है। मिस मार्किंग नहीं है, इसका थोड़ा आ गया है, थोड़ा पालक आ गया है। अच्छा एक दो पालक आया है और ये तो पूरा फ्रेश है। हाँ वो फ्रेश मार्किंग। अच्छा ये भी सेल के लिए है? हाँ ये सेल लेना है तो। अच्छा ब्लू लाहौरी कहते हैं इसको? ब्लू बार्ड लाहौरी। अच्छा और ये ग्रेवर लाहौरी। ये ग्रेवर लाहौरी ये एडल्ट पेयर है? एडल्ट पेयर दोनों ही एडल्ट पेयर। ये भी सेल के लिए है क्या? ये भी सेल के लिए। अच्छा इसका क्या प्राइस रखे? इसका उधर कौन से पड़ेगा? अच्छा 16,000। कुछ दिनों के अंदर मतलब अंडा दे देगा। हाँ देखिए देखिए इसका क्वालिटी देखिए। देखिए बहुत बड़ा साइज का है। देखिए पूरा फ्रेश है। आप इतना सेल क्यों कर दे रहे हैं? मतलब नया जो वैरायटी है। अच्छा 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 तो ए भी सेल के लिए है क्या? ए भी सेल के लिए है, अमेरिकन सेंट है। अच्छा अमेरिकन सेंट ठीक है। इसका उम्र कितना है? इसका उम्र है 1.5 साल हुआ है। अच्छा 1.5 साल हुआ है ठीक है। तो इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 25,000। देखिए अमेरिकन सेंट। ये सिर्फ काला ही आता है, ब्लैक आता है या रेड? यू नो हर तरह की कलर होता है। ब्लैक आता है, रेड आता है, एलमंड आता है। अच्छा और या अंडा बच्चा 100% गारंटी शॉट है? वो उधर का एक बच्चा है। अच्छा उसका बच्चा उधर भी है? हाँ, अच्छा अच्छा मतलब सब कोई अंडा बच्चा किया है। अच्छा ठीक है ये करके दिखाते हैं। और ये शॉर्ट पेस है? ये शॉर्ट पेस है, ये भैया ने सेल नहीं करेगा। अच्छा तो ये भी एडल्ट है या अंडा बच्चा करता है? इसका भी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 5,000। 5,000 एडल्ट पेयर का? बेबी पेयर। बेबी पेयर का 5,000। इधर पे एक बेबी है। अच्छा इसका बेबी भी होता है? अच्छा बहुत सारा है। हाँ हाँ बेबी दिख रहा है। अच्छा ये दो बेबी है? हाँ दो बेबी। अच्छा ये सेल के लिए है? सेल पे अभी तक नहीं, अभी रेडी नहीं हुआ है, मतलब कुछ दिनों के अंदर सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा ये मेल है इधर फीमेल है? मेल फीमेल कंफर्म है? मेल फीमेल कंफर्म है पर 2 दिन जाने के बाद उसका। हाँ कुछ दिन जाने के बाद और श्योर हो। अच्छा ये ब्लैक इंडियन फैंटल का
আন্ডা হ্যাঁ আচ্ছা আর এ উসকা বাচ্চা হ্যায় ওয়ে লোকা কা বাচ্চা হ্যায় বহুত বড়ি और देखते हैं और ये तो शटल का को मेल फीमेल था इधर एक मेल है अच्छा ये अलग करके क्या रेस्ट पर रखा है क्या हाँ अच्छा तो इसका फ्रील का जो क्वालिटी देखिए ये सेल के लिए नहीं है अच्छा सेल के लिए नहीं है देखिए फ्रील का क्वालिटी बहुत बढ़िया है देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब धूप में और ज़्यादा शाइन करेगा ये तो अंदर में लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है और ये एलमंड है क्या एलमंड नहीं चॉकलेट का वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है अच्छा तो ए सेल के लिए है क्या नहीं ये सेल के लिए अच्छा ए सेल के लिए नहीं है ये अंडा बच्चा करता है अगर किसी को इसका बच्चा चाहिए तो बाद में मिल जाएगा उधर भी और इसका बच्चा है अच्छा बच्चा भी है इसके अच्छा चलिए इसका क्या प्राइस चल रहा है अभी इसका एडल्ट पियर का कीमत होगा 8,000 एडल्ट पियर अच्छा तो देखिए इसका फ्रील देखिए देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी है कोई इसका बच्चा लेने चाहते हैं तो अभी से कॉन्टेक्ट रख सकते हैं अच्छा ये इसका बच्चा है अच्छा इसका उम्र कितना है इसका उम्र है 6 मास हो गया बहुत बड़ा बड़ा फील है ये मेल है क्या मेल है अच्छा इसका प्राइस क्या रखे है इसका सेल के लिए नहीं है मैं घर पे रखा अच्छा ये सेल नहीं करेंगे अच्छा भैया अगर इसके साथ कोई वाइट फील बैक जोड़ी देना चाहते हैं तो उसका बच्चा क्या निकलेगा कौन सा आएगा वाइट आ सकता है चॉकलेट कलर भी आ सकता है अच्छा ये शायद एलमंड है ना एलमंड इसको नहीं बोलते तो एलमंड कब कहा जाएगा चॉकलेट बोलते हैं चॉकलेट बोलते हैं लेकिन तो दूर से देखने पड़ता है जो एलमंड लगता है हाँ एलमंड ही लगता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है इसका ये है ब्लैक पोमेरियन देखिए ब्लैक पोमेरियन फीमेल फीमेल है इतना बड़ा हाँ तो ये सेल के लिए है क्या हाँ सेल के लिए है इंपोर्ट ब्लैक का है इंपोर्टेड है हाँ इंपोर्टेड है अच्छा फीमेल इतना बड़ा है वाह हर टाइम ऐसे करके रखता है क्या अरे बाप रे निकल के आएगा शायद तो ऐसा तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पूरा रेडी है इसका उम्र कितना है इसका उम्र है 1 साल हुआ है अच्छा भैया इसको थोड़ा बाहर निकल के ले आ सकता है देखिए ना देखिए इसका क्वालिटी देखिए ये फीमेल है वाह इसका मेल नहीं है भैया आपके पास मेल है ऊपर अच्छा उधर मेल है फिर भी ये सेल कर देंगे ये सेल कर देंगे और इसका अंडा बच्चा 100% गारंटी है वाह ये अंडा बच्चा किया है अभी भी वाह देखिए ये फीमेल है सेल के लिए है तो इसका प्राइस क्या रखे भैया इसका प्राइस है 20,000 अच्छा देखिए 20,000 का है वाह देखिए ये तो हम मतलब फर्स्ट टाइम इतना अच्छा क्वालिटी का कबूतर देख रहे हैं पोमेरियन ब्लैक पोमेरियन पाउडर वाह लाजवाब है लाजवाब क्वालिटी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊपर में तो पोमेरियन हो गया और ये अमेरिकन सेंट का बच्चा है ये मेल या फीमेल ये भी सेल के लिए है इसका प्राइस क्या रखे भैया इसका प्राइस होगा 14,000 सिंगल पीस का 14,000 देखिए पैर का फोर्थ फेदर देखिए वाह
ये क्या बोले, मेल या फीमेल? मेल। मेल है। इसको उम्र कितना है? इसको उम्र है 8 महीने। 8 महीने हो गया। तो और ये उसका टमर। क्या नाम है इसका? उज़्बेक टमर। उज़्बेक टमर है। टमलर। ये कौन से कंट्री का है? कौन से कंट्री का वो तो पता नहीं है, हम तो बांग्लादेश से खरीद के लाए। तो ये अभी अंडा बच्चा किया अभी एक बार? हाँ, ये अंडा बच्चा किया। तो इसका मतलब अच्छा, तो इसका शेर में ऐसे ही रहता है? हाँ, इसके ऐसे ही रहता है। तो देखिए इसका मतलब क्या खासियत होता है? तो वो तो हमको पता नहीं, पसंद हुआ खरीद के ले लिया। अच्छा, तो इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 8,500 पड़ेगा। 8,500। अच्छा ठीक है, तो इतना ही तक बस? मतलब जो जो रखे हैं चुन चुन के बेस्ट क्वालिटी। अभी बेस्ट क्वालिटी की भैया यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन रखे हैं। तो भैया क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं और कौन कौन से बीमारी ज़्यादा होता है कबूतर को? आप कॉल अप में पायरा के यदि मासिक कोर्सर मध्ये रखा है তাহলে হয়তো পায়রা অসুস্থতা খুব কম হয়। আচ্ছা, ওষুধ খাওয়ার আগে আমি সবসময় একটা জিনিসই বলবো, হ্যাঁ, যে অনেকেই ভাবে যে পায়রাকে ওষুধ খাওয়ালে মনে হয় পায়রা ভালো থাকে। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে একটাই সাজেস্ট করব যাতে তারা ওষুধ না খেয়ে ভালো ভালো খাবার খেতে যায়। আচ্ছা, ভালো খাবার দিলে পায়রার ইমিউনিটিটা ভালো থাকে, পায়রার জিম বাচ্চা ভালো হয়, কোয়ালিটি মার্কিং ভালো আসে। তারপরে ডিম টিম, যাতে যাদের হচ্ছে পায়রা ডিম টিম নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। যাদের পায়রা হচ্ছে ডিম বাচ্চা করছে না বা জিমে ব্লাড লাইন জমছে না, বিশেষ করে তাদের জন্য এই কোর্সটা মাসিক কোর্স হিসাবে দিলে খুবই ভালো। ভিটামিন কে, হ্যাঁ, তো ক্যাশে অ্যাপ্লাই করা যেতে হয় ভিটামিন কে? এটা ভিটামিন কেটা জলের সঙ্গে 2 লিটার জলের সঙ্গে 2 ml করে দিলে সকাল বিকাল করে দিলে। কতদিন দিন দেনা পড়তে এটা? সপ্তাহে মানে মাসে অন্তত 3 বার মতন পড়বে। আচ্ছা, 3টাই আন্ডা বাচ্চাকে প্রবলেম আগার হয়ে যায়গা তো ভিটামিন কে দেনা পড়েগা? ভিটামিন কে যে সব ডিমে হচ্ছে ডিম বাচ্চা হয় না কি, মানে ব্লাড লাইন আসে না, ফার্টিলিটি কা প্রবলেম আগার হয়ে যায়, হ্যাঁ, বাচ্চা ভিতরে মরে যাচ্ছে, ডিম ফুটে বের হচ্ছে না, তাদের জন্য ভিটামিন কে একটা দিলে সবথেকে আমি বিশেষ করে আমি ক্ষেত্রে আমি উপকার হয়েছে বলে আমি এটা জিনিস। আর কিয়া মাল্টিস্টার? মাল্টিস্টার এটা হচ্ছে ভিটামিন, যে ভিটামিন এন্ড মিনারেল হয় মাল্টিস্টার। দেখিয়া যারা হচ্ছে ভিটামিন, নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি। আচ্ছা, ইসকে কম্পোজিশন হ্যায় এটাই দিই মাল্টিস্টারটা। ভিটামিন এ, ডি থ্রি, ই, এইচ, সি, জিঙ্ক, কোবাল্ট, সেলেনিয়াম, বহুত সারা মতলব মাল্টিভিটামিন হ্যায়। किसके लिए মানে পেটের হজম শক্তি একটু কম টম হয়ে যায় তাদের জন্য নিউপেপটিনটা দিই। কোনো কারণে কেটে গেলে মানুষের বেটাডাইন সেটা রেখে দিয়েছে। আর খানে মে কে দিতে? খানে খাবার জন্য আমি অনেক রকম খাবার দিই, এখানে অনেক রকম খাবার আছে। গম, এখানে গমটা পরিমাণ কম, ভুট্টা আছে। ইদনা বড় ভুট্টা কেসি খাতে? ও, খেয়ে নেয় সব, অসুবিধা নেই। ছোলা আছে। তুসমিল, আর আপ এ মতলব ধূপ মে ডালে থে ইয়া কড়াই পর ডালে থে? কড়াইয়ের মধ্যে নেই, একটু ঝলসে নি খাবারটা। আচ্ছা, থোড়া গরম কর লেতে? হ্যাঁ, করে নিলে কি যাতে টাটকা খাবারটার থেকে একটু ফ্রাই কর লেতে তো বহুত আছে স্মেল আরে। আর আর এখানে কে কে সূর্যমুখী বীজ, কুসুম দানা, ভুট্টা, ছোলা, মটর, গম, এরকমই রয়েছে। এখন এখানে একটু কিছু কম পরিমাণ রয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি মোটামুটি 14-15 রকম আইটেম দিই। ওকে, দিয়ে খাওয়া হবে। বাড়িয়া খাবারটা সবসময় পায়রাকে বেশি ভালো বেটার দেওয়া উচিত। আচ্ছা, আর ইহাঁপার হানি হয় কে? হ্যাঁ, মধু দেওয়া হয়, কারণ শীতকালটা এবার আসছে। আচ্ছা,
আচ্ছা তো শীতকালে এবার হাড়িমি বহুত আচ্ছা মানে বহুত যেতে মিনারেলস আর ভিটামিন হতে হ্যাঁ ও হাড়িতে মধুটা দিলে কি কারণে শীতকালে যাতে ওদের ঠান্ডাটা না লাগে আচ্ছা ওর জন্য আমি ওদের একটু চা টাইপের করে দিই আচ্ছা চায়ের সাথে তুলসী তারপরে মধু তারপরে হচ্ছে তোমার আদা দিয়ে একটা চা মতন করে ওদের দিই তাতে কি এটা শীতকালে ওদের ইমিউনিটিটা থাকে এবং কি তাদের ঠান্ডা ঠান্ডা লাগার চান্সটা খুব কম থাকে বলা तो ठीक है खत्म करते हैं आज के लिए। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और नया है तो सब्सक्राइब कर देना।